मैं लालू जी को किडनी देने आया हूँ और जब तक लालू जी को रांची जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे और जाना प्राण त्याग देंगे। मैं भीख मांग रहा हूँ कि लालू जी के तुरंत राबड़ी आवास लाया जाए। जब लालू जी ही नहीं रहेंगे तो हम लोग गरीब के बेटा रह के क्या करेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में फंसाया गया है। मन बना कर आए हैं कि चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन लालू जी के छोड़ा के ही जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ वसीम खान। लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। उस बीच अगर हम बात करें तो लगातार खबरें ये निकल कर भी आ रही है कि लालू यादव की किडनी जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। हम राजद कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो व्यक्ति बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि ये लालू यादव को किडनी देंगे। कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजेंद्र पासवान। यहाँ क्यों बैठे? मैं लालू जी को किडनी देने आया हूँ। अच्छा। और जब तक लालू जी को रांची जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे और जाना प्राण त्याग देंगे। यहीं रहेंगे? हाँ यहीं रहेंगे। भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर? हाँ। लालू यादव को तो भाई सजा आप जाता है, अब कोर्ट से उनको बेल मिलेगी तो ऐसे में क्या इसी तरह एक बैठे रहे? देखिए, मानवता के नाम पर, बीमारी के नाम पर मौत और जिंदगी से लालू जी जूझ रहे हैं। मैं न्यायपालिका से और सरकार से हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा है। मैं भीख मांग रहा हूँ कि लालू जी के तुरंत राबड़ी आवास लाया जाए, है ना, और लालू जी को हम तुरंत डॉक्टर को बुलाकर उनको किडनी मैं दूंगा। आपको नहीं लगता आप किडनी देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आपकी जान भी तो जोखिम? अरे जब लालू जी ही नहीं रहेंगे तो हम लोग गरीब के बेटा रह के क्या करेंगे। आज जो भी हैं ये लालू जी के चलते हम लोग हैं। गुरुवा गरीब को लालू जी बराबर सहायता करने का काम किए हैं। बिहार के लाल अगर नहीं होते तो आज राजेंद्र पासवान का औकात और हिम्मत नहीं था कि आज लालू जी के दरबार के सामने, प्रदेश कार्यालय के सामने बैठ सकता था। ये जो भी ऊर्जा है ये बिहार के लाल, गरीबों का मसीहा, गुदड़ी के लाल, श्री लालू प्रसाद जी का देन है कि आज हम यहाँ हैं। लालू यादव चारा घोटाले पे आरोप लगता है? लालू जी को चारा घोटाला में फंसाया गया है। उन्होंने चारा नहीं खाया है न घोटाला किए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में फंसाया गया है। तो उनमें जो आरोप लगे वो बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। अब ये राजनीति के तहत उनको फंसाया गया है जी। उनके साथ में बिल्कुल हर कोई आदमी जानता है, हिंदुस्तान से लेके बिहार के एक एक गरीब माता पिता जानते हैं कि किस तरह लालू प्रसाद जी को जेल में फंसाया गया है, जेल में रखा गया है। उनको उम्र के देखते हुए, उनको बीमारी के देखते हुए, उनको आप लोग सारा मीडिया भाई भी देख रहे हैं कि उनका 25% किडनी काम कर रहा है ना। हम तो न्यायपालिका से हाथ जोड़ रहे हैं और सरकार से भी विनती कर रहे हैं कि एक गरीब का बेटा को बात को सुनिए और लालू प्रसाद जी को राबड़ी आवास लाइए, नहीं तो हम जान दे देंगे। रांची कभी गए हैं? रांची रिम्स में लालू यादव से मुलाकात करने नहीं गए हैं? नहीं, हम बराबर पर यहाँ करजाले पर आते हैं, है ना, और मन बना कर आए हैं कि चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन लालू जी के छोड़ा के ही जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव को कैसे मिस कर रहे थे आप, कैसे याद कर रहे हैं? बहुत याद आ रहा था। हम राघोपुर में गए थे, बिद्दूपुर में गए थे तेजस्वी भैया के प्रचार में। वहाँ हमने कहा जाए कि लोगों से कहा कि जिस तरह से हम लोग दक्षिणी क्षेत्र से सुपड़ा साफ कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग उत्तरी बिहार के माता पिता भी भाजपा और जदयू को सुपड़ा साफ कीजिए। और हम लोगों ने मगध से लेकर सासाराम के मूर तक सुपड़ा साफ कर दिए हैं। 74 सीट में 66 सीट हम लोग महागठबंधन को देने का काम किया और अब प्रण कर लिए हैं कि जब तक बिहार के लाल श्री लालू प्रसाद जी पटना नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे और जान अब प्राण त्याग देंगे। आपके साथ कौन? मेरे साथ में ये रामजी चंद्रवंशी हैं, है ना, हम लोग दोनों साथ रहते हैं जी। पूरा सोच समझ के आए हैं कि लालू यादव रिहा नहीं होंगे तो प्यार नहीं। मेरा चला जाए कोई गम नहीं, हम लोग जैसे कार्यकर्ता जान दे देंगे जब तक लालू जी नहीं आवेंगे तब तक। और मैं जीताराम मांझी से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप गरीब का बेटा है, गरीब के झोपड़ी बचाने आइए। और मैं मुकेश भैया से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि तेजस्वी भैया को राज तिलक दीजिए और आप डिप्टी CM बनिए और जीताराम मांझी जी को, वो मेरे पिता सम्मान है, उनको स्पीकर बनाने के हम लोग काम करेंगे। लालू यादव
को जल्द रिहा किया जाए वरना प्राण त्याग देंगे, ऐसा कह रहे हैं। और लालू यादव को किडनी देने के लिए तैयार है, क्योंकि लालू यादव की किडनी जो है वो फंक्शन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि लालू यादव की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।